वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन मार्केट। मार्केट में हम किस तरीके से सफल हो सकते हैं, तो मार्केट में सफल होने के लिए हमको किन किन बेसिक चीजों को ध्यान में रखना है। इसमें सबसे पहले है कि आपके अंदर क्लैरिटी होना चाहिए कि मार्केट में आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं और आपको रियलिस्टिक होना है। इसके बाद आता है कि आपके पास राइट ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास एक फिक्स्ड ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए और सिर्फ उसी ट्रेडिंग सिस्टम पे काम करना है। और तीसरा है माइंडसेट एंड पेशेंस। माइंडसेट एंड पेशेंस को समझने के लिए आप इस वीडियो का क्लिप देख लीजिए। और ट्रेडर्स वीकली में आप देखिए, दिनेश कुमार ने सबसे ज्यादा कमाई की है। 732% के रिटर्न्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रेडर्स लीग के जो विजेता हैं इस समय के, वो है दिनेश कुमार और वो लाइन पर हैं। दिनेश कांग्रेचुलेशंस। बताइए आपकी ट्रेडिंग रणनीति क्या रही है और आपने जो 732% का मुनाफा कमाया है वो किस ट्रेड के जरिए ज्यादा कमाया है? थैंक यू मैडम। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। तो प्रीवियस वीक का जो मेरा ट्रेड था वो बैंक निफ्टी में था और उसी से मैंने रिटर्न लिया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करके बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ। और उम्मीद है कि ये बढ़िया रिटर्न्स आगे भी आपके हाथ लगते रहें। दिनेश कुमार बेगूसराय के ट्रेडर हैं और उन्होंने काफी बढ़िया कमाई की है ITL में। अभी जो आपने क्लिप देखा, ये क्लिप साल 2016-17 का जो फाइनेंशियल ईयर था उस समय CNBC आवाज वालों ने एक लीक कराया था, जिसमें ऑल इंडिया बेसिस पे इन्होंने एक लीक कराया था जिसमें जितने भी ट्रेडर हैं इंडिया के वो पार्टिसिपेट कर सकते थे और उनका अकाउंट वहां पे लिंक्ड था, ताकि जिसके भी अकाउंट में जो भी फंड का ग्रो हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है वो रिफ्लेक्ट होता था और उसके बेसिस पे एक रैंकिंग बनता था। इस लीक में शुरू के जो 6 महीने थे, उस 6 महीने में मैं नंबर 1 पोजीशन पे था और जो मेरा प्रॉफिट था 6 महीने में वो करीब 3200% के करीब प्रॉफिट था। लेकिन 6 महीने के बाद ऑल ऑफ ए सडन एक बंदा मुझे क्रॉस करता है, वो नंबर 1 पोजीशन पे आता है, मैं नंबर 2 पोजीशन पे आता हूँ। इसी दिन से ये जो माइंडसेट है किस तरीके से काम करता है उसको समझते हैं। जैसे वो नंबर 1 पोजीशन पे आया और उसने कमेंट लिखा कि नाउ आई एम नंबर 1, नोबडी कैन बीट मी, इस स्टेटमेंट को देख के मेरे अंदर में जो डिस्ट्रैक्शन आया, फिर उस डिस्ट्रैक्शन के वजह से मैं अपना जो नेचुरल ट्रेडिंग है उसको छोड़ के अग्रेसिव ट्रेडिंग में आ गया कि मुझे कैसे भी करके नंबर 1 बनना है। और नंबर 1 बनने के लिए मैंने जो गलत सलत एक्शन चालू किए उसका नतीजा ये हुआ कि जो मेरे 3200% के प्रॉफिट थे 6 महीने में, वो 3200% के प्रॉफिट भी गए और मैं अपने जेब से भी एक बड़ा कैपिटल लूज कर गया। तो ये होता है माइंडसेट का। आपको हमेशा धैर्य रखना है और आपको अपने ऊपर ही फोकस करना है, क्योंकि मार्केट में हर किसी का अपना अपना कैपेसिटी लेवल होता है, हर किसी का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। तो आपको जो आपको सूट करता है सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके पर फोकस करना है और आपको मेहनत करना है अपने लिए एक राइट ट्रेडिंग सेटअप बनाने के लिए। जैसे जो मेरा सेटअप है, मैं CPR सेटअप के ऊपर काम करता हूं जिसमें फिक्स्ड टूल के सेट है। मैं चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करूं, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करूं, चाहे मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं या ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही सेटअप के ऊपर काम करता हूं। और जो मेरे टूल का कॉम्बिनेशन है उसमें अगर आप टाइम फ्रेम बदलते हो, जैसे अगर मैं 5 मिनट का कैंडल स्टिक यूज करता हूं, मतलब इंट्राडे के लिए जो सेटअप लगाता हूं, तो जैसे मैं टाइम फ्रेम 5 मिनट का करूंगा वो इंट्राडे के लिए सेटअप बन जाता है। जैसे मैं 1 आवर का करता हूं, मेरा जो सेटअप है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है और सारा का सारा सिस्टम मेरा स्विंग ट्रेडिंग के लिए बन जाता है। जैसे अगर मैं 1 डे का कैंडल लगाता हूं तो ऑटोमेटिकली 1 डे के कैंडल के हिसाब से मेरा सेटअप रेडी हो जाता है और मुझे कहां पे एंट्री करना है और कहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना है वो क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है। अगर मैं वीकली कैंडल के बेसिस पे करता हूं, जैसे मुझे मान लो 1 साल के लिए कोई ट्रेड को बाई करना है, तो 1 साल के लिए मेरा एंट्री पॉइंट कहां पे होगा, मेरा स्टॉप लॉस कहां पे होगा और मेरा टारगेट लेवल क्या होगा, सारा चीज इस सेटअप में क्लियर होता है। तो मुझे बार बार इधर उधर कुछ देखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक सेटअप यूज करता हूं और उसी से चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, सारा काम एक ही सेटअप से हो जाता है। अगर आपको CPR सेटअप सीखना है तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसमें हमारे रेगुलर वीडियोस आते रहते हैं जो CPR के ऊपर बेस्ड होते हैं। या फिर अगर आपको 1-to-1 सीखना है, मेरे साथ ग्रुप में ऐड होना है, तो आप चाहो तो हमारा कोर्स को एनरोल कर सकते हो, जिसका कीमत आपके 1 दिन का जो प्रॉफिट होगा उससे भी कम है।
तो चाहो तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो जो अभी बहुत ही सस्ते में अवेलेबल है। आपका ट्रेडिंग सेटअप रेडी होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका ट्रेडिंग सेटअप रेडी नहीं रहेगा आप कॉन्फिडेंटली डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए अगर आपको कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेना है तो आपका एक फिक्स्ड ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए और सिर्फ उसी सेटअप के ऊपर भरोसा करना है, तभी आप सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है राइट माइंडसेट एंड पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है सफल होने के लिए, क्योंकि अगर आपको सफल होना है तो कहीं ना कहीं आपके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि पेशेंस से ही आपका माइंडसेट सही रहेगा। जब आपका माइंडसेट सही रहेगा तो आप रियलिस्टिक रहोगे और रियलिस्टिक टारगेट के लिए ट्रेड करोगे और जरूर सफलता की तरफ बढ़ जाओगे। होप आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। All the best for your future endeavor. Thank you. For complete learning, you can join our master class. Link in the description below.